नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे सरिया का बिजनेस कैसे करें। दोस्तों 5 साल का हम अपना खुद का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेंगे, कैसे हमने सरिये के बिजनेस की शुरुआत की, कहां से माल खरीदा और इसमें हम कैसे प्रॉफिट कमाएं। दोस्तों इसके पहले कुछ कड़वा सत्य जानना पड़ेगा, कड़वा सत्य, तभी आप अपने बिजनेस में सफल हो सकते हैं। वो कड़वा सत्य क्या है? दोस्तों कड़वा सत्य यही है, आज के जमाने में चाहे जो भी आप बिजनेस करेंगे, हर एक बिजनेस में कंपटीशन है, लेकिन इस कंपटीशन के युग में हम अपने बिजनेस को कैसे आगे ले जाएं, कैसे कमाएं, वो सबसे ज्यादा सीक्रेट बात जानने की होती है। वही सीक्रेट अनुभव आज आप लोगों से हम शेयर करेंगे। मित्रों अगर आप वीडियो लास्ट तक बने रहें तो आज आपको हम सफल बिजनेसमैन बना देंगे कि सरिया के बिजनेस में कैसे सफलता पाएं। आप चाहे जहां जिस भी मार्केट में खोलना चाहते हैं, कितनी भी दुकानें हो, उन दुकानों में आप सबसे आगे होंगे, ये हमारी गारंटी है। और दोस्तों आप लोग समझते हैं सरिया का बिजनेस सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है, इसमें कभी नुकसान नहीं होगा। क्यों नुकसान नहीं होगा? ये दोस्तों लोहा का बिजनेस है, लोहे का रेट कभी कम नहीं होगा। भविष्य में जैसे सोने का रेट कम नहीं होगा, उसी तरह से लोहे का रेट कभी कम नहीं होगा। और जब लोहे का रेट कम नहीं होगा तो आपको नुकसान होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज दोस्तों, सरिया का बिजनेस में इसलिए घाटा नहीं होता है, इसमें ना तो कोई एक्सपायरी होती है, कोई एक्सपायरी नहीं होती है, ना इसमें टूटने, ना सड़ने, ना गलने के कोई चांसेस नहीं है। और यह बिजनेस दोस्तों आप सिटी में भी कर सकते हैं, गांव में भी कर सकते हैं, कम पूंजी में भी कर सकते हैं, ज्यादा पूंजी में भी कर सकते हैं। ये सारे एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों एक एक करके जानते हैं सरिये के बिजनेस को करने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत होगी। दोस्तों एक आपको छोटा सा कमरा चाहिए, कमरा या उसके बगल में आपको 1500 स्क्वायर फीट से दोस्तों 2000 स्क्वायर फीट का कोई एक हाल हो तो बढ़िया हो, जिसमें आप अपना सरिया रख सकें। क्यों रखना है भैया? आज चोरी का समय है, आप बाहर रखेंगे तो कोई उठा ले जाएगा, तो वहां रखने के लिए अब आपको एक कुर्सी चाहिए और एक मेज चाहिए, मेज बैठने के लिए आपको, और इसी के साथ में दो चार कुछ और प्लास्टिक की कुर्सियां रख लीजिए, जैसे आपको जो कस्टमर आए उनके बैठने के लिए। ये तो हो गया आपके दुकान का प्रोसीजर। अब दोस्तों आप अपने दुकान का कोई एक अच्छा सा बोर्ड बनवा लीजिए, कोई भी वेल्डिंग मटेरियल करके कुछ भी आप, या सरिया का थोक विक्रेता या होलसेल विक्रेता, ऐसे लिख लीजिए। तो जब आप दोस्तों वहां पे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी दुकान का नाम क्या हो गया, आर्मी सरिया की होलसेल की दुकान है, रिटेल, दोनों जब लिखते हैं तो आदमी ये सोचता है कि भैया इनके यहाँ थोक का भी काम होता है और रिटेल का काम होता है, इनके यहाँ हमें अच्छे रेट से मिल जाए। तो आप एक अच्छा सा बोर्ड छपवा लीजिए, बोर्ड छपवाने के बाद अपने दुकान पे आप लगा दीजिए। ये तो हो गया आपके दुकान का यहाँ पे। अब दोस्तों आपको अगर बड़े, थोड़े से बड़े लेवल पे करना है, दो तरीके से इसे किया जा सकता है। अगर आपके पास 5 से 6 लाख रुपया है तो दोस्तों इसे अच्छे ढंग से किया जा सकता, अच्छा प्रॉफिट कमाया जा सकता। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो इसे एक छोटे तौर पे भी किया जा सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरीके से बात कर लेते। पहले बात कर लेते हैं, अगर आपके पास 5 से 6 लाख रुपया है, 5 से 6 लाख रुपया है तो दोस्तों आपको एक थोड़ा सा सर्वे एक करना पड़ेगा कि आपकी एरिया में किस कंपनी की सरिया सबसे ज्यादा बिकती है, किस कंपनी के। अगर आप सिटी में खोल रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पे 6 mm, 8 mm, 10 mm, 3 टाइप की सरिया आती है। और इसके लिए एक आपको कांटा वाट रखना पड़ेगा, कांटा वाट रखने के लिए वजन के लिए। वैसे दोस्तों अब कुछ सरिया ऐसे आती है वो पीस के हिसाब से बिकती, उसका क्लियर होता है एक पीस की सरिया के वजन 5 किलो, 8 किलो, 6 किलो, 7 किलो है, वजन के हिसाब से आप सरिया दे, वजन करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, फिर भी आपको कांटा वाट रखना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको अपने एरिया में देखना पड़ेगा किस कंपनी की सरिया सबसे ज्यादा बिकती है। वैसे दोस्तों कुछ कंपनियां हैं जिनका सब जगह चाहिए, जैसे टाटा स्टील, जिंदल, इसी तरह से कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो सब जगह बिकती हैं। फिर भी कुछ ऐसे और कंपनियां होती हैं जो नई नई होती हैं, लोकल टाइप में होती हैं, जैसे लोकल टाइप कह सकते हैं, लेकिन सरिया उनकी भी क्वालिटी है, तो वो सर्वे करना पड़ेगा किसका है। तो इसको सर्वे करने के लिए आप किसी के घर पूछने नहीं जाना है, जो आपके एरिया में राजगीर हैं, मिस्त्री हैं, जो वेल्डर हैं, इनसे आपको संपर्क करना पड़ेगा। इनसे तो अभी और सीक्रेट बातें हम बताने वाले, तो इनसे आप संपर्क करिए, भैया किस टाइप की सरिया सबसे ज्यादा बिकती है, तो उस कंपनी की आपको रखना है, बहुत ज्यादा बल्क स्टॉक नहीं रखना है, तो उस टाइप को आप रख लीजिए।
तुफ टाइप की आपकी सरिया हो गए तो आप अभी लोकल नहीं रखना है, आपको अभी डिमांड के हिसाब से ही सरिया रखना है। अब ये सरिया कहाँ से खरीदना है, ये सरिया दोस्तों आप अपने डिस्ट्रिक्ट से खरीदिए। डिस्ट्रिक्ट हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, एक कंपनी का एक दो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, तो उनके पास आप जाइए, वहां पता करिए भैया मैं इसकी दुकान खोल रहा हूं आपके यहाँ क्या रेट मिलेगा, हमें आपके यहाँ से माल नगद लेना है, उधार नहीं लेना है। नगद की जब आप बात करेंगे तो 1% 2% पे भी आपको माल दे देगा, 1-2% तो वहां पे आपके ज्यादा प्रॉफिट होता है, तो 2% आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है, तो वहां से लेना। ऐसे 2-3 डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ पता करिए जिसके यहाँ रेट आपको बढ़िया मिल रहा है, सर्विस उनकी बढ़िया हो, भैया आप माल भेज दीजिए फिर हम अगली बार फोन कर देंगे, जो भी माल की रिक्वायरमेंट आप भेज दीजिएगा। तो दोस्तों जहां पे आप खोल रहे हैं, मान लीजिए आप गांव में खोल रहे हैं, तो गांव से डिस्ट्रिक्ट की दूरी 30-40 किलोमीटर जो भी होगी, तो वहां पे आप पता कर लीजिए रेट। ये तो हो गया माल खरीदने के लिए, आप माल खरीद के अपने दुकान पे रख लीजिए, जिसके यहां सस्ता मिले उसी के यहां से आपको लेना है। तो अभी ये कुछ दिन तक करना है, 6 महीने साल भी, इसके बाद तो कंपनी वाले खुद आपको आके माल देंगे, क्योंकि कंपनी के दोस्तों जो सेल्समैन होते मार्केट में टहलते रहते हैं, तो आपसे संपर्क करेंगे, फिर आपका माल डायरेक्ट कंपनी से आने लगेगा, वो भी आइडिया हो, तो वहां से आप माल खरीद लीजिए। माल खरीद के आपके दुकान पे आ गया, माल खरीद के आपके दुकान पे आ गया, अभी इसे बेचना है जो सीक्रेट बात है, और इसमें प्रॉफिट भी कमाना है। कैसे प्रॉफिट कमाएंगे, तो प्रॉफिट कमाने के लिए एक आइडिया और आपको लगाना पड़ेगा, एक परमानेंटली आप आदमी रखिए, और आदमी दोस्तों आपको जो फरिया होती कुछ पतली, आप देखते हैं जब बीम ढाली जाती है तो बीम ढालने समय उसमें छल्ला लगता है ऐसे चारों तरफ, तो छल्ले को भी बनवाया करिए, इसमें आपकी एक्स्ट्रा कमाई होगी, इसमें एक्स्ट्रा कमाई, वही सरिये को तोड़ मोड़ के आप बनवा रहे हैं जबकि उस लेबर को पैसा दे ही रहे हैं, तो जो छल्ला बनवाएंगे इससे आपकी एक्स्ट्रा कमाई हो जाती है। अब आपके हो गया, अब आपको अपने दुकान को आगे ले जाना, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहला सीक्रेट आपको बता रहे हैं, इस सीक्रेट को आप सीक्रेट रखिए दोस्तों। आपको अपने मार्केट में या आप खुद जाएंगे तो सब लोग जान जाएंगे फला दुकानदार है, किसी रिश्तेदार या अपने यार दोस्त को भेज के रेट पता करिए आपके मार्केट में जो दुकानदार हैं, आपके मार्केट के जो दुकानदार हैं, और आपके मार्केट से 10-20 किलोमीटर जो बड़ी बाजार हो वहां पे जो फरिया के विक्रेता हो उनके यहाँ क्या रेट बिक रहा है, दोनों को आपको रेट लेना होगा। रेट लेने के बाद उनसे कुंतल के पीछे या पीस के पीछे या किलो के पीछे 2-4-10 रुपए आपको कम रखना पड़ेगा, तभी आपके यहाँ कस्टमर आएंगे, तो उनसे आपको रेट कम। अब आप कब सोच रहे हैं कि कम रखेंगे तो कैसे कमाएंगे, कोई बात नहीं, वो भी मैं आइडिया बताऊंगा कैसे आपको कमाना है। तो रेट आपको उनसे थोड़ा सा कम रखना होगा। अब यहाँ पे एक चीज और है, अभी आपकी दुकान नहीं है, आप अभी आपके पास बहुत सारे कस्टमर आएंगे, कुछ कस्टमर ऐसे आएंगे दोस्तों जिन्हें आप नहीं पहचान पाएंगे, मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें करके आपसे माल ले लेंगे, भैया माल दे दीजिए मैं कल मेरा चेक क्लियर हो रहा है या पैसा आ रहा है या मैं धान बेच रहा हूं गेहूं बेच रहा हूं कल मैं आपको पेमेंट दे दूंगा, तो आपको कहेंगे तो वहां पे आपको उधार नहीं दे, भैया मेरी दुकान नई नई है मैं लोन लेके दुकान किया हूं हमें EMI भरना पड़ता है, प्लीज इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, आप 10-5 रुपए हमसे और कम करा लीजिए लेकिन हमसे उधार मत मांगिए, उधार आपको नहीं देना है। जिस दिन आपने उधार देना शुरू किया वो कस्टमर आपके पास कभी नहीं आएगा, आपका पैसा लटका देगा, उसके साथ साथ ऐसा मैं भोग चुका हूं इसलिए मैं बता, तो आपके दूसरे यहां से माल लेने लगेगा, वहां से नगद लेगा, वो आपके यहां उधार करके बैठा ही ये 40-50-20 हजार रुपए, इसलिए उधार नहीं देना है भैया, कुछ मैं छूट दे सकता हूं, ये आपको हमेशा भी ध्यान देना। हाँ सारे कस्टमर ऐसे नहीं होते, कुछ होते हैं जो बहुत क्लोज के हों, आप जिनको अच्छी तरह से समझ रहे हैं इनके पास हमारा पैसा नहीं फंसेगा, हाँ किसी कारण पर इस समय इनके पास पैसा नहीं है तो आप उन्हें दे सकते हैं, नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, तो ये आपको पहचान एक करना पड़ेगा। दूसरा दोस्तों, अपनी दुकान को इस कंपटीशन के युग में आगे ले जाना उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको जितने आपके एरिया में वेल्डर है उन वेल्डर को आप ओपनिंग के दिन इन्वाइट करिए, और जितने भी मिस्त्री हैं नामी गिरामी छोटे बड़े जो भी मिस्त्री है उन सबको अपने आप ओपनिंग के दिन इन्वाइट करिए, उनका अच्छे से आतर भाव करिए। आपको यहाँ पे दोस्तों घनिष्ठता बनानी है, यही हमारी बात ही कस्टमर लाएगी, उन्हें अपने में मिलाना है, उनसे ऐसे घुल मिल जाना है, इतनी घनिष्ठता बनाना है आप उनके हमेशा शुभ चिंतक के तौर पे। तो जो बिल्डर हैं ये जो मिस्त्री हैं यही आपको कस्टमर देंगे। एक चीज, आप उनसे संबंध हो गया, अब उनका आप कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिए,
भैया आते जाते समय मिस्त्री इधर से आप गुजरिएगा, जरा हमारे दुकान पे 2 मिनट के लिए आइए, एक कप चाय हो जाएगी, कुछ हाल चाल हो जाएगा। तो उनको फोन करके 1-2 दिन पे हाल चाल पूछ लीजिए, और मिस्त्री कहाँ है, कैसे है, कैसे आपका हाल चाल, मतलब आप हाल चाल लेते रहिए। जब एक फोन के बहाने हाल चाल लेते रहेंगे तो मिस्त्री आते जाते समय आपके पास रुक जाएंगे। जब आपके पास रुक जाए तो मिस्त्री का फेवरेट क्या है, चाय पीना चाहते हैं या पान खा रहे हैं, गुटखा जो भी खा रहे हैं, उसे पान गुटखा नहीं खाना चाहिए, लेकिन अगर वो खा रहे हैं तो उनको आप खिला दीजिए। तो आते जाते वो भी उनके मन में रहे कि चलो यार एक चाय वहां से पी लेते हैं, काम करके हम वापिस आ रहे हैं, तो आपके यहाँ चाय पीने आएंगे। तो यहाँ से आपको ये होगा भैया किसके यहाँ काम हो रहा है, उसके यहाँ पे जाके आप संपर्क कर सकते हैं, भैया आपको सरिये की जरूरत है तो हमारे यहाँ रेट अच्छे से मिल जाएगा, आप ले लीजिए। या मिस्त्री खुद मोटिव करेगा, भैया फला दुकान से आप ले लीजिए। अब यहाँ पे एक विजिटिंग कार्ड छपवा लीजिए, वो विजिटिंग कार्ड आप मिस्त्री को दे दीजिए, मिस्त्री भी आपको बता देगा, वो एड्रेस बता देगा या किसी और को दे देगा। इस माध्यम से ये हो गया मिस्त्री से घनिष्ठता और मिस्त्री से आपको घनिष्ठता। यही आपके दोस्तों प्रचारक हैं, यही आपके एडवर्टाइज कर रहे हैं। मिस्त्री के घर जब भी कोई फंक्शन हो, या दोस्तों उनके ऊपर जैसे उनके घर में कोई मान लीजिए कोई घटना घट गई, उस समय आप तो हमेशा अवेलेबल रहिए। और उनके घर में जैसे अगर उनकी बेटी का बेटे का कुछ शादी हो रही है, अगर बेटी की शादी है तो कुछ गिफ्ट के तौर में 1-2 साड़ी या कुछ और जाके बिना निमंत्रण के उनके यहाँ आप पहुंच जाइए, भैया ये बिटिया के लिए कन्यादान है, आप ये कर दीजिए। और अगर लड़की की शादी, भैया ये बहू के लिए छोटा सा हमारा गिफ्ट है, इससे आपकी उनकी क्लोजता बढ़ जाएगी, ठेकेदार है उनसे क्लोजता बढ़ जाएगी। तो जितने भी एरिया है इस तरह से आप मिस्त्री को अपने बस में कर लीजिए और उनसे मिल लीजिए, वही कस्टमर आपको लाते। यही दोस्तों हमने किया, तो मेरे एरिया की सारी दुकानें लगभग लगभग नाके बराबर चलती हैं, सारे मिस्त्री हमारे क्लोज में रहते हैं। तो जिसको हम दुकान पे बैठाते हैं उनसे यही कहते, भैया जब शाम को मिस्त्री आ उनको चाय पानी जरूर आ, तो 10-20 रुपए हम खर्च करके उनसे एक्स्ट्रा ले सकते हैं। अब यहां हो गया, अब उसी में दोस्तों आप चाहें तो सिरमिट भी रख सकते हैं। और एक होता है फार्मा, फार्मा कैसे कहते हैं, फार्मा होता है जो उसमें बीम ढाली जाती है, आप फार्मा बनवा लीजिए, 8-10 फार्मा बनवा लीजिए, ये भी आपको किराए पे जाता रहेगा, यहां से आप एक्स्ट्रा कमाई कर सकते हैं फार्मा से। तो फार्मा बिल्डिंग बिल्डिंग मटेरियल की दुकान है, वहां से आपका बन जाएगा। और एक बार इसमें पैसा आप लगा लीजिए, फिर वो पैसा आता जाता रहे तो आपका फार्मा भी जाएगा। अगर आपके पास कुछ और बजट है तो दोस्तों इसमें जो है बिल्डिंग मटेरियल में जो यूज लकड़ी होती है उसको आप रख लीजिए, ये भी जाए किराए पे तीसरा। लेकिन इस सरिये का बिजनेस आपका कभी कम नहीं होगा, क्योंकि लोहा का रेट डाउन नहीं होगा। ये हो गया दोस्तों कमाने का सीक्रेट, आप अपने एरिया को मिस्त्री को आप सम्मानित, और आपके एरिया में जो सम्मानित आदमी हो, जैसे प्रधान हो गया, जिला पंचायत सदस्य हो गए, कुछ ऐसे सम्मानित लोग होते हैं, कुछ ऐसे टीचर होते हैं जिनका नेचर बड़ा अच्छा होता हो, बड़े मिलनसार होते हैं, तो इनसे आप टहल टहल के मिलिए, इनसे मिलिए, अपने दुकान पे इन्हें इनवाइट करिए, इनके घर कोई घटना घट गई तो उसमें आप जरूर पहुंच जाइए, कुछ पार्टी वगैरह है वहां पे आप पहुंच जाइए बिन बुलाए, भैया ये तो इधर से जा रहे थे हमने सोचा प्रधान जी से मिल लेते हैं, हम इधर से जा रहे थे हमने सोचा मास्टर साहब से मिल लेते हैं। तो सबसे ऐसे मिलिए, घनिष्ठता बनाइए, टहलते घूमते, इससे आपका भी होगा दोस्तों, भैया वो तो दुकानदार बड़े अच्छे हैं यार, आप थोड़ा सा महंगा देंगे तो भी आपके यहाँ आएंगे। तो दोस्तों ये व्यवहार से दुकानें चलती, आप व्यवहार बनाइए, आप जिस दिन एक दिन देखेंगे आप अपने एरिया में एक सफल हो जाएंगे, और इसी में फिर धीरे धीरे आप बढ़ाते जाइए। ये तो हो गया ऐसे। अब दोस्तों आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना है या आपको बड़े लेवल पे करना है, इसको कैसे करें? तो दोस्तों बड़े लेवल पे करने के लिए जब आपकी दुकान धीरे धीरे पुरान हो जाती है, हाईलाइट में हो जाती है, तो हर एक कंपनी के जितने भी सरिया के मैन्युफैक्चरर कंपनी है सबके पास सेल्स मैन होते हैं, सबके पास मैनेजर होते हैं, सबके पास एरिया मैनेजर होते हैं जो हमेशा फील्ड में टहलते रहते हैं। क्या करते हैं, ये फील्ड में टहलते रहते हैं, तो आपके पास खुद आके मिलेंगे, भैया मैं इस कंपनी से हूं, आपका कैसे चल रहा है, दुकान अच्छी चल रही है, तो आपको खुद ऑफर देंगे, तो आप नगद मंगा लीजिए, आप नगद अगर हमारे यहां से मंगाते हैं तो आपको 2% फ्री मिलती है, 2% डिस्काउंट, जो बीच की मार्जिन उसके अलावा 2%। और दोस्तों वहीं पे वो लोग 21 दिन के साइड पे भी माल देते हैं, 21 दिन के उधार पे माल देते हैं, लेकिन जो आप जब उधार लेते हैं तो जो 2% छूट मिलता है ये नहीं मिलता है।
तो हम बिजनेस करने बैठे हैं, तो प्रयास करें हम नगद लें, और जब हम नगद लेते हैं तो कंपनियां हम ही को माल देने का प्रयास करते हैं, और धीरे धीरे जब आपका कंपनी से क्लोज हो जाएगा तो दोस्तों ऑटोमेटिक आपको डिस्काउंट भी देंगे और उसके बाद आपको साइड भी देंगे, क्योंकि उनको अपना माल निकलवाना होता है। तो इस तरह से दोस्तों धीरे धीरे आप बन सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों कोई भी बिजनेस हुआ, चाहे छोटा बिजनेस हुआ या बड़ा बिजनेस हुआ, वो बिजनेस समय मांगता है। कोई भी बिजनेस 1 से 5 साल का समय मांगता है। इस 1 से 5 साल में कभी आपका बिजनेस अप होता है, कभी आपका बिजनेस डाउन होता है, अप डाउन ऐसे लगा रहता है। अगर आप इसी में धैर्य बना के बिजनेस को करते रहे तो कभी आप फेल नहीं हो। अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो आपको और कोई इंफॉर्मेशन चाहिए दोस्तों, हमसे जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो और ये भी लगता है आपके कोई यार दोस्त करना चाहते हैं, उनके तक ये जानकारी पहुंचा दी जाए, तो दोस्तों ये वीडियो शेयर करके उनके तक जानकारी पहुंचा दीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में ऐसे ही और महत्वपूर्ण कोई बिजनेस आइडिया के साथ।